हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इतने टाइम बाद हमारी वीडियो आ रही है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी जो हम लोग आज वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और एक यूनिक सा आइडिया हम लोग लेके आए हैं जो लाइबा के माइंड में काफ़ी देर से था कि हम लोग ये वाली वीडियो जो है वो शूट करेंगे, बट नरमीन जो है वो एग्री नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैंने इसको लोग और जो है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये लुक हमारी आपको कैसी लगी है और ब्लॉग हमारा कैसा लगा है। तो हम लोग आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशंस पे दिखाते हैं कि हमारी लुक रिलेट किससे करिए। पहले आप लोग वो वाली क्लिप देख के लुक भी दिखाएंगे। हाँ, वो वाली क्लिप देख के पहले आप सोचें कि ये क्या लुक हम लोग क्रिएट करें, फिर आगे हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने एक लुक क्रिएट करनी है जिसमें हमारी ये प्रिपरेशंस हैं, एक साइड पे मेकअप और ज्वेलरी, और आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको गजरे भी नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही मजेदार लुक हम आज क्रिएट करेंगे और फिलहाल आप लोग गेस करेंगे कौन सी लुक है। हाँ, चलें करते हैं स्टार्ट। तो आज की जो हमारी लुक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि हम अपनी मदर के लुक क्रिएट करने वाले हैं जो उनकी शादी पर रिसेप्शन डे की लुक थी। सेम हमने वही मामा का जो है ड्रेस निकाला है और सेम लुक हम उसको वही देंगे और आज क्रिएट कर रही हूँ मैं। हाँ, और हमें मामा की जो है वो शर्ट नहीं मिली क्योंकि इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, तो वो शर्ट हमारे पास नहीं है, बट लहंगा और दुपट्टा हमारे पास है। तो शर्ट का हमने फिर भी साथ कंट्रास्ट कर लिया, वो बिल्कुल सेम मैच हो गया, बस उस तरह नहीं है लेकिन कलर बिल्कुल मैच हो गया। तो मैं आपको मामा की पिक्चर भी दिखा देती हूँ, हमने सेम ये लुक क्रिएट कर स्क्रीन पे लगा भी देंगे। हाँ जी, तो ये देखें, ये मामा के रिसेप्शन डे की लुक है और ये हम आज क्रिएट करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं और ये लुक मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर में भी सब कहते हैं कि मैं मामा में मिलती हूँ। हाँ, और मामा भी बताती हैं कि जब मामा इस एज में थी तो उनके फीचर्स और वो इस तरह से स्मार्ट थी, पत्ती सी थी। अब मामा थोड़ी हेल्दी हो गई हैं, वो अलग बात है, वो आप पिक्चर में भी देखा होगा आपने। हाँ, व्लॉग्स में जब मामा आती है। लेकिन और अभी मैं मामा का लहंगा जो है वो पहन के खड़ी हुई थी और मुझे उसकी बेल्ट बिल्कुल सही आई, तो मैं मामा से पूछी थी आप इतनी पत्ती थी, वो जो फिटिंग लाइबा को भी पूरी जो हमने ये वाली पिक्चर दिखाई है इसमें देखे मामा बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। तो देखते हैं लाइबा इस तरह की लुक क्रिएट कर भी पाती है कि नहीं, क्योंकि मेकअप जो है वो पुराने जमाने का हुआ है। तो मैं मामा की ना पिक्चर बहुत गौर से देख रही थी, तो उसमें मामा ने ना काजल भी लगाया हुआ यहाँ आईज के नीचे, और काजल लाइबा ने मैंने कभी भी काजल नहीं लगाया, इवन कि मैं लाइनर भी बहुत कम लगाती हूँ। चलो मेकअप भी साथ तो साथ करो, और इसमें जो है मैं आज ये स्टिक यूज कर रही हूँ क्योंकि ब्राइडल लुक है इसलिए। तो मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है फेस को और हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बस लाइट से हम इस पर बेस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बेस भी कर ली है और कॉम्पैक्ट पाउडर भी कर लिया। अब हम चलते हैं आईज की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं आईब्रोज, जो इसमें मामा ने जो है रेड कलर और ऑरेंज मिक्स हुआ है आईब्रो। अच्छा, रेड कलर कौन लगाते हैं? लाइबा ने बोला था, मामा ने वो जो पेंसिल मिलती है ना ब्लैक, उसकी वो बनी हुई आईब्रो और बिल्कुल गोल। लेकिन मैं वो नहीं कर सकती, मैं जो लगाती हूँ रूटीन में मैं वो ही नहीं ब्लैक लगाऊंगी, पूरी लुक ब्लैक मेरे पास है भी है, ब्लैक हमारे पास, मैं आपको देती हूँ लाइबा, पूरी लुक क्रिएट करनी है ना, ब्लैक नहीं लगानी, इसी में ही है वो नहीं है, है। वैसे तो लाइबा की आईब्रोज है ही नहीं माशाल्लाह, वो भी मामा जैसी की, तो इसमें तो है। चलें सबसे पहले आईब्रो डन करते हैं और फिर आई मेकअप करेंगे। ये देखो ये है लाइनर, ब्रो पेंसिल,
वो टूटी हुई है एक साइड नहीं टूटी हुई। तो आज का इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती मतलब मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे लाइबो को देख के खा दो जाओ। और एक और हम लोग ड्रेस देख के आप लोग कहेंगे कि आपकी जो पिक्चर है वो और ड्रेस का कलर मैच नहीं हो रहा, उसकी आपको स्टोरी सुनाती पहले मैं मामा का ड्रेस ले आऊँ जी। और यहाँ पे मैंने आईब्रो जो है वो फिल कर ली है, इस टाइम में बहुत सफेदी की चमका आ रही हूँ लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लें। नरमीन लेके आ रही है तो ये इसमें हमें देखने में जो है वो पिंक लग रहा है, देखने में नहीं ये पिंक हो गया है क्योंकि रखे अब 30 ईयर्स हो गए हैं इसको, तो कलर उसका जो है वो फेड हो गया, बट उसका जो काम है वो अभी तक नहीं मिला, वो सेम वैसे। लेकिन मामा बता रही थी कि ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन था कलर, बट अब वो पिंक हो गया है इसी वजह से हमारी जो है शर्ट भी मैच हो गई है, ये हमें बेनिफिट हुआ है। और अगर वो होता तो हमारे पास शर्ट नहीं थी। मैंने आई शेड लगा ली है उसी कलर में, जैसे अब लगाना है लाइनर, लाइनर लगाना है, काजल भी लगाना है। हाँ काजल हमारे पास है भी, लाइनर ही लगा लेना, ब्लैक पेंसिल है वो वाली, ये वाला लगा लेना ये, और उसमें मामा की तस्वीर में लाइनर भी गोल लगा लगेगा। ये देखो नरीन देखे मुझे कैसे देख रही है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कुछ लुक क्रिएट करूं। आप पापा बन जाओ पेंट कोट नहीं है मुझे, मेरे पास पापा के पेंट कोट में हम दोनों एक साथ आ जाएंगे वाओ पहली बार लाइवा का लाइनर सही लगा, पहली बार ही नजर नहीं आ रहा लेकिन क्या अपर लिप्स फिर दो तीन महीने ना बनाना दाढ़ी भी उगानी पड़ेगी, पापा की थोड़ी दाढ़ी भी है पर पापा शेव करते हैं, पर मेरा लाइनर ना खराब करो मतलब पापा के वो थोड़े छोटे छोटे बाल तो है ना, अब उस पर मैं बेस लगाऊंगी तो वो कैसे उगाऊंगी। जल्दी करो अब आप हमें जो है वो आइडियाज बताएं, क्योंकि मैं 2 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट घर में फ्री हूँ और मेरे पास कोई अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे डेली व्लॉग नहीं बन सकता क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं ब्रेक में बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊँ और अच्छे अच्छे जो आपको पसंद आए। आप चाय बनाए, चाय एक सही लगा एक नहीं सही लगा, लेकिन लगा बिल्कुल पिक्चर जैसा है। क्या मतलब मामा का गलत लगा हुआ था? नहीं मतलब उस तरह का ही आया, ये देखो वो ये लोग काजल अभी ड्राई होने दो, वो थोड़ा सा स्मोकी आइज बन जाएगी काजल लगा के। काजल नहीं है वो नीचे लगा हुआ है यहाँ, मैंने कभी कभी नहीं लगाया, ये पेंसिल से लगेगा सही, ये सही है, ये लग जाएगा इससे, ये नहीं लगेगा, लग जाएगा लाइबा नीचे नहीं लगाना, नीचे ही लगा हुआ गौर से देखो, बहुत ज्यादा नीचे कर लिया, इसमें भी बहुत नीचे ही है नीचे नहीं है आई बोल है वो, हाँ ऐसे लगाना, पहले ऐसे ही लगता है, कोकिला वाला लाइनर लगाया लाइबा ने थोड़े में, कौन था मैं थी तुम थी कौन था राशि कुकर में चने चढ़ा दिए मैंने जब वो पिक्चर देखी तो उसमें हाइलाइशेस नहीं लगी हुई है, लेंस भी नहीं लगे हुए, मस्कारा भी बहुत
मामा ने आंखें भी नीचे की हुई है, थोड़ा सा लगा हुआ तो उसमें इतना पता नहीं लगा कि दुल्हन शर्माती थी, अब नहीं शर्माती, लेकिन हम तो लगाएंगे शर्माओ बेटा। और रोती भी थी, वाकई कोकला वाले। तो मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया, बस हमारी लिपस्टिक यहाँ पे रह गई है और हेयर स्टाइल भी मैंने बिल्कुल पिक्चर जैसा जो है वो कर लिया है, ये देखें सेम यही पिक्चर जैसा मेरा हेयर स्टाइल हो गया। अब बस मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, ये थोड़े से इसमें कर्ल होने हैं और लिपस्टिक मेरी रह गई है और ज्वेलरी पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने लाइबा की लुक जो है वो किसी ना किसी तरह रिक्रिएट कर ली है और ये वाली लुक क्रिएट करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा है क्योंकि हम लोग उसी टाइम से हंसे जब से हमने लुक क्रिएट करना स्टार्ट की थी। तो अभी लाइबा की लुक क्रिएट हो गई है और ये मामा की पिक्चर है, पहले आप इसको गौर से देख लें, उसके बाद हम लोग बुलाते हैं लाइबा को जो मामा की शादी कब हुई थी, 30 ईयर्स पहले वाली दुल्हन और 2024 वाली दुल्हन, मतलब लुक वही लुक, मतलब और क्या, तुम्हारी शादी हो गई, वेलकम ये। मैं भी आ गई नहीं और लाइबा तब से हंसी जा रही है अपने आप को देख के, इतनी दूर से नहीं डरनी पता है। लेकिन मैंने फुल ट्राई की है, सेम उसी तरह मेकअप और दुपट्टा भी उसमें इसी तरह लिया हुआ है, हाँ ऐसे करके और ऐसे करके बैठी हुई हूँ। तो ये लोग आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की और है। मैंने बहुत मुश्किल से ये अपनी बैक कॉमिंग जो है वो जो पुराने डाउन हो गई है इसको मैंने किया है बड़ी मुश्किल से, और एक उसमें मामा क्लर जो है वो हुई है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एक और की है ये, और ये भी मैंने पहनी है, तो मुझे तो मैं पठानों की दूल्हन लग रही है ना। मामा से पूछते हैं कि मामा को क्या लगा है कितने परसेंट जो है वो लाइबा ने सेम लुक क्रिएट किया है, मामा आप बताओ। काफी नजदीक नजदीक है। 10 में से कितने पॉइंट्स दोगी? 10 में से 9 वाओ ये फिर भी पापा अच्छा पापा सेम 9 10 में से 10 पापा ने कहा सेम लुक है, पापा ने कहा सेम जो मामा ने नंबर बताए हैं, नहीं है ना पापा देखा व्हाट आई मीन, बच्चे लोग की कमी है ना इसलिए, हाँ मैं दूंगी 8 क्योंकि ये शर्ट भी नहीं है वो, और फिर भी हाँ लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है और वो मेकअप आर्टिस्ट भी पता नहीं कौन थी हाँ। लेकिन मैंने फुल ट्राई किया, अभी मैं आपको खड़े होके भी अपने लुक दिखा देती हूँ। लेकिन जो मामा का ये सूट है अभी तक बिल्कुल उस तरह का है जैसे मामा बताइए कि जब मैंने पहना था उस तरह का था, क्योंकि काम कोई भी खराब नहीं हुआ, वहाँ कलर थोड़ा सा चेंज हो गया हाँ। लेकिन उसका जो कलर थोड़ा नहीं बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑरेंज कलर अब पिंक हो गया है। तो आप लोगों को लुक कैसी लगी है ये प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, और अभी फुल लुक लाइबा को दिखाते हैं। तो ये मेरी फुल लुक है और शर्ट मेरी अपनी है, आपने ये पहले व्लॉग में भी देखी होगी, लेकिन मामा मेरी तरह ही स्मार्ट थी तब मैंने इसको फिर अपने साथ ले लिया, और ये लहंगा जी और उसमें मामा ने चूड़ियाँ भी बहुत पहनी है, वो एक पिक्चर थी जिसमें, लेकिन वो इतना पता नहीं लगा, जो बड़ी पिक्चर है उसमें मैंने बिल्कुल आँखें जूम करके देखा था। हाँ, और हम लोगों ने नेकलेस भी जो है वो बहुत ढूंढ ढूंढ के हाँ फुल सेम मैच ही हुआ है, बट हमें ये ही मिला था। और ये भी नरमीन है जुगाड़ कर एयर रिंग का, हम लोगों ने वो निकाल के और कुछ ना कुछ करके नोज रिंग बनाई, तो लेकिन हमारी यही फुल लुक है। आई होप कि आपको आपने भी इंजॉय किया, अगर आपको भी लुक अच्छी लगी होगी, अच्छी इस हिसाब से कि सेम उसके जैसी हुई होगी, मैंने पूरी कोशिश तो की है और ये लुक मेरी फाइनल है। तो ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में हमें लास्ट में बताइएगा कि आपको लुक कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियोस कौन सी देखना चाहते हैं, कौन से व्लॉग्स आने चाहिए या फिर कोई चैलेंजिंग वीडियोस, और अब नरमीन को फोर्स करें कि ये बनाए क्योंकि अभी ये फ्री है, इसके फाइनल एग्जाम हो गए हैं, तो अब नरमीन बिल्कुल फ्री है अभी, इसीलिए हमने आज ये हाँ। वीडियो जो है वो बनाई है,
और आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि सेम लुक लग रही है या नहीं। वी होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दब गया तो हम लोग, बहुत हैवी है दुपट्टा। हाँ तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो होगी जो हम लोग अभी सोचेंगे कि क्या नेक्स्ट होनी चाहिए। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।